सारे लोगों ने पंचायत का सीजन 1 सीजन 2 देख लिया होगा. तो वी आर हियर विद द बेस्ट मूवमेंट्स ऑफ जीतू भैया फ्रॉम द मूवी पंचायत, सॉरी फ्रॉम द सीरीज पंचायत. सो लेट्स सी हाउ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी. चलिए देखते. और कितना दूर है प्रधान जी? अरे बस बस आ ही गए हैं, पास में ही है. सचिव जी वो जो खेत देख रहे हैं ना वो भी हमारा ही है. और ये पानी की धार से जरा कनपट्टी बचाई है, कान में घुस गया तो निकलना मुश्किल हो जाएगा. और दीनदयाल था उसके कान में घुस गया था, थोड़ा बहरा हो गया. एक कान बचा है लेकिन एक से सुन लेता है वो. और ये खेत किसका है? क्यों बस ऐसे पूछ लिया? अरे ये तो कोर्ट भी नहीं बता पाया, ससुर हम का बताएंगे. बैंगन फेंगन दो भाई हैं और जमीन को लेके झगड़ा चल रहा है उनका. दोनों भाई में खूब लाठा लाठी भी हो चुका है. बाप रे, बिगन का तो पूरा कपार फट गया था. 19 टांका लगा था, वो तो समय पर अस्पताल पहुंचा दिया, नहीं तो आज ये खेत फेंकन का होता. आइए. और भाई ये जमीन जायदाद के लफड़े में आप ना पड़िए, आप तो चुप्पे चाबी ढूंढिए, नहीं तो पंचायत घर का दरवाजा ना खुला तो आप भी मुसीबत में आ जाएंगे, हम भी मुसीबत में. यहाँ जरा सपाटे में निकलिए, कुछ दिन पहले गेहूं साफ दिखा था यहाँ. मिस्त्री कहाँ है? अरे इंडिकेटर कैसे टूट गया है? सर पहले क्या बताएं, मिस्त्री कहाँ है कि इंडिकेटर कैसे टूट गया? दोनों मिस्त्री कहाँ है? सर हम मिस्त्री को तो लेके आ ही रहे थे कि अचानक उसका फ़ोन बजा. उसकी बीवी को ना बच्चा होने वाला था तो उसके पेट में बहुत जोर से दर्द शुरू हो गया था. अब मानवता के नाते सर मोटरसाइकिल घुमाना पड़ा. चूँकि मिस्त्री को इमरजेंसी था तो हम गाड़ी थोड़ा तेज चला रहे थे. अब पता नहीं कहाँ से महमूदपुर फाटक के पास एक भैंस आ गई. ब्रेक लेते लेते सर गाड़ी भैंस से भिड़ गई. अब हम तो बच गए सर, लेकिन मिस्त्री और उसकी पत्नी दोनों एक ही हॉस्पिटल में भर्ती हैं. आप ना अभिषेक सर आप टेंशन मत लीजिए, हम कुछ करते हैं. देख तो मेरा नाम अभिषेक है, अभिषेक नहीं बस अभिषेक अभिषेक. और अब कुछ नहीं करना है, सीधा ताला तोड़ते हैं. अभिषेक सर अभिषेक. हाँ अभिषेक सर ताला नहीं तोड़ सकते. प्रधान को फोन कर, ताला तोड़ना पड़ेगा. प्रधान जी को फोन कर, ताला तोड़ना पड़ेगा. हथौड़ा हथौड़ कुछ लेके आ. हाँ प्रधान जी प्रणाम. मिस्त्री को लेके आ ही रहे थे कि अचानक से उसका फोन बजा, उसकी बीबी. अरे यार प्रधान जी मिस्त्री 2-3 दिन बाद आएगा, ताला तोड़ना पड़ेगा. अच्छा प्रधान जी मैं दूध लगवाने का सोच रहा था गांव में, किसके यहाँ से लगवा लूँ? प्रधान जी से लगवा लीजिए ना, इनके यहाँ कितना गाय भैंस है. ठीक है तो गाय का चाहिए भैंस का? किसी का भी चलेगा. ऐसा करिए आप भैंस का लीजिए, भैंस का दूध थोड़ा गाढ़ा होता है. शहर के आदमी हैं, गाढ़ा दूध कहीं पचने में दिक्कत ना हो जाए. अरे पानी मिला लेंगे और क्या, सब हो जाएगा. ठीक है भैंस का ही कर लेते हैं प्रधान जी. भैंस का तो हमारे यहाँ तो 3 तरह का भैंस है, मुर्रा सुरती और कौन सा दो एक यार? कौन सा भैंस का? सुरती ठीक रहेगा, आपसे लेते थे ना सुरती तो उसका दूध ठीक था. अरे जफराबादी बेहतरीन सचिव जी. अरे चुप करो, दूध तुमको पीना है कि उनको पीना है? ऐसा करिए. हाँ जय राम जय. आप मुर्रा कर लीजिए. मुर्रा ठीक है, मुर्रा ही कर लेते. ठीक है तो कितना? 1/2 लीटर बहुत रहेगा दूध तेरे की. 1/2 लीटर कोई दूध होता है? कम से कम 2 लीटर लीजिए. हाँ थोड़ा खाड़ा जाइए, दंड बैठक लगाइए, नहीं ऐसे ही मरगिल्ले बने घूमते रहेंगे. नहीं नहीं 1/2 लीटर बहुत रहेगा. कितना पड़ जाएगा महीने? अब 1/2 लीटर दूध का कहाँ पैसा लेंगे तुमसे भाई. अरे नहीं नहीं ऐसे थोड़ी चलेगा प्रधान जी. रोज नहीं, हम कह दिए तो कह दिए, हम नहीं लेंगे. प्रधान जी के पास बहुत पैसा है, गाय सब है, और क्या चाहिए? तुम्हारा बाप होल का नंद रख गया था, हमारे पास पैसा. बात करते हो, 1/2 लीटर दूध का पैसा मांगते हो, अच्छा थोड़ी लगता है. हाँ आप तो इतना धनवान हो गए हैं के 750 रुपया महीना से आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है. कहीं 1-2 करोड़ छुपा के रखे हैं तो हमको भी बता दीजिए ना. कहाँ फालतू बात करती हो. बेटी का शादी सर पे आ गया है, वो पकड़ाई और इन्हें अपना रईसी झाड़ने से फुर्सत नहीं मिल रहा. हाँ 1/2 लीटर दूध महीना भर मुफ्त में देने से जैसे बेटी का शादी रुक जाएगा. बात रिंकी का शादी का नहीं, बात यह है कि आपका आदत ही बिगड़ा हुआ है. किसी को लौकी दे आते हैं, किसी को दूध दे आते हैं.
अरे जाके पूरा का पूरा भैंसी दे आइए ना। काहे चिल्ला रहे भाई, मांग लेंगे सचिव जी से पैसा। अब तो खुश क्या खुश, मांग कर हम पर कोई उपकार नहीं कीजिएगा? ठीक है तो नहीं मांगेंगे। अरे मांग लेंगे, अभी कभी थोड़ी मांग सकते हैं। मांगने के लिए थोड़ी सोचना पड़ता है कि कब मांगे, कैसे मांगे, कहाँ मांगे। ये नहीं कि बस मुँह उठाए जल्दी और जहाँ सचिव जी दिखे तो कहे सचिव जी पैसा निकालिए। अरे मुझसे वादा किए हैं, ऐसे थोड़ी है। तो कह दीजिए, नेता हैं, झूठ मूठ का वादा करते हैं, कह दीजिए। हम ऐसे वैसे नेता नहीं हैं। किस तरह के नेता हैं? ऐसे हैं। ये सचिव जी हैं, ये यहीं रहेंगे। नाश्ता वास्ते की जरूरत हो तो इनसे कह देना, किसी भी काम के लिए लड़की के बड़े भाई के बराबर है। बहुत सज्जन आदमी, बहुत बेहतरीन एकदम। अब चलिए दादी, हम लोग चलते हैं। नाश्ता वास्ते यहीं पर रख दिए हैं। आज रात थोड़ा ही, फिर कल रात। ओहो, मैं अंदर ही बैठा हूँ, कुछ काम हो तो बता देना। हाँ ठीक है ठीक है। सालियाँ कहीं दिखाई नहीं दे रही। अरे नहीं पापा, परेशान नहीं हूँ, काम का ऐसे ही थोड़ा स्ट्रेस चल रहा है। सुनिए थोड़ा नाश्ता लगवा देते। दो मिनट बैठो ना, आता हूँ। हाँ नहीं नहीं, ऐसे ही एक आदमी था। हाँ वो मैं देखता हूँ। गजब बेइज्जती। दूल्हा को नाश्ता के लिए कौन इंतजार कराता है? आने दो, देखते हैं। देखिए, हमारी डीएम मैडम को देश की बढ़ती आबादी की बहुत चिंता है, इसलिए उनका मानना है दो बच्चे मीठी खीर, उससे ज्यादा बवासीर। देखिएगा ये स्लोगन लोगों को अंदर तक हिट करेगा, इसलिए जाइए प्रधान जी को समझाइए और स्लोगन पूरा वापस लिखवाइए। नहीं तो डीएम मैडम हमारा गांड तो फड़वे करेंगी, आप लोगों का भी गांड फाड़ेंगी। और प्रधान जी नहीं माने तो उनका गांड भी फाड़ेंगी। उनका गांड अलग है। हमको नहीं पता। जाइए। हम लोग का ना ये तीन लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। हम लोग का जब भी थोड़ा सा मतलब मन करता है पीने खाने का तो खाली हाय कर देते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि आपको भी उसमें ऐड कर रहे हैं, और जब भी मतलब आपका तनी मन। हाँ तो... हाय का मतलब समझे क्या होता है? हाय हाय, जल्दी से आए। सचिव जी आप जो बात कहे ना, बस दिल में लग गई वो बात। कौन सी बात? अरे भाई आप कैसे कह दिए कि हमारे यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई यार दोस्त नहीं है? ये नहीं दिखाई देता, ये इतना बड़ा आदमी, ये और हम कोई नहीं है, कुछ नहीं समझते कि हम लोगों को? नहीं नहीं प्रधान जी, ऐसी बात नहीं है। फिर क्या बात है? पराया समझते हैं सबको। वो मैंने मॉनिटर चेक किए, 5,000 तक का आ जाएगा, बढ़िया क्वालिटी का मैं मंगा दूँगा। अरे आप कर लेंगे पूरा खर्चा, हम सब देंगे। अरे नहीं नहीं, हम उनका 1,000 रुपये लगा देंगे। जैसे तो 1, 2, 3, 4,000 हुआ ना, तो 4,000 तो क्या होगा, हम 5,000 करके दिखाते हैं तुमको। कैसे कैसे दिखाएंगे? 1,000 रिंकी के मम्मी से मांगो। वो भी तो है ना प्रधान, सुनो कमरा मेरा ढूंढने का जरूरत नहीं है, यही रहो बढ़िया आराम से, कोई पूछने वाला नहीं जब तक हम जिंदा हैं। देखिए जब बात हुई तो। अच्छा तो एक मिनट सेल्फी ले लेते हैं सवाल। सेल्फी लो, सेल्फी लो, बोतल वोतल पकड़ो, अच्छा बढ़िया से सेल्फी। एक आप लोग नहीं देते कि भाई हम कभी हाथ नहीं लगाए हैं। हाँ बियर हम ऐसे ऐसे करते हैं, हम कभी हाथ नहीं लगाए हैं बियर में। पीने वाले ये तीन लोग हैं और हम तो सिर्फ सेल्फी वाला आदमी है। देखो पोज के साथ वाला थोड़ा मुस्कुरा भाई, बोलो सेल्फी, जोर से बोलो सेल्फी। सच में यार ये पंचायत का मतलब तो
बेस्ट सीरीज, पंचायत वन ऑफ द बेस्ट सीरीज टू वॉच. ना कोई टेंशन, ना मतलब इतना ज्यादा सोचना, बस लाइक देखते जाओ एंड एंजॉय द प्रोसेस एंड ऑल, है ना. सो या दैट इज इट फॉर टुडे. अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा और आपको ऐसे और वीडियो चाहिए कमेंट करके बता दो. इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, सो प्लीज़ फॉलो दैट. थैंक यू.